हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आपको अपने रेल विभाग से कोई शिकायत है, जैसे कि आपकी पेमेंट सही ना बनना, या आप किसी रेलवे क्वार्टर में रहते हैं उस क्वार्टर से संबंधित शिकायत, कोई लाइट से संबंधित शिकायत, या कोई भी आपकी कार्मिक विभाग से शिकायत, या जिस प्रकार की भी आपकी शिकायत है, उसको भारतीय रेल बहुत ही बड़े स्तर पर सही करने वाला है। और यह सब सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अभी कोई शिकायत दर्ज करते हैं और एक हफ्ते के अंदर आपकी शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने इस चीज को समझा है कि जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके कोई भी शिकायत नहीं रहने पर वह कर्मचारी बहुत ही अच्छे से रेलवे का कार्य करेंगे। शिकायत का निस्तारण करने के लिए सभी जोन में, जहां DRM ऑफिस है वहां पर, या जहां भी संभव हो सकता था, एक एकल खिड़की का निर्माण किया गया है। वहां पर जाकर आप अपनी शिकायत बहुत ही आसान तरीके से दर्ज कराएं और अगले एक हफ्ते में आपको उस शिकायत में क्या हुआ, उसका निस्तारण कैसे हुआ, इसका भी फीडबैक मिल जाएगा। ये ऐसा ही कि निस्तारण के लिए आप कंप्लेन को ऑनलाइन, ऑफलाइन, एप्लीकेशन से, मोबाइल फोन द्वारा, किसी भी तरीके से आप दर्ज करवा सकते हैं। आपके पास जब आपकी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा, उसका भी फीडबैक आएगा। शिकायत को दर्ज करने के लिए आप, हम जानते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। मैं दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CP ज्ञान में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। आइए अब जानते हैं कि हम ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत को दर्ज करेंगे कैसे और इसका ऑफिशियल लेटर कौन सा है। तो देखिए, यह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक झांसी का ये एक लेटर है, जिसमें लिखा गया है, झांसी मंडल में कर्मचारियों की कार्मिक संबंधी शिकायतें सिंगल विंडो ग्रीवांस रिडेसल काउंटर में दर्ज कराने के संबंध में। इस पोर्टल के माध्यम से आपकी कार्मिक संबंधी जो भी, यानी वेतन वेतन से संबंधित जो भी आपकी शिकायत है, जो छुट्टियां नहीं लग रही हैं या ऐसा कुछ, को जो भी शिकायत है, आप उसको जो है, आप एकल विंडो, जो कि सिंगल विंडो जिसको बोलते हैं, उस पर काउंटर में दर्ज कराने के संबंध में। तो इसका देखिए ऑफिशियल लेटर भी ये आया है इस तरीके से, 16/10/12 का, और इसके लिए, और जो 15/9/2023 को ये लेटर निकाला गया है। इसमें लिखा है, इस कार्यालय के उपरोक्त संबंधित पत्रानुसार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि झांसी विंडो में CPB PG DG शामिल नहीं थे। प्रधान मुख्य कार्यालय महोदय प्रयागराज के निर्देशानुसार रेलवे कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त जो भी यदि रिटायरमेंट है, वो भी इस पर दर्ज करा सकते हैं। रेलवे को सभी प्रकार की कार्मिक संबंधी ग्रीवांस, जिसमें कई प्रकार की सिंगल विंडो ग्रीवांस रिडेस काउंटर में रजिस्टर की जाएंगी तथा उनका निस्तारण एक सप्ताह के अंदर किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो जो शिकायतें इसमें दर्ज होगी, उस तारीख से 7 वर्किंग डे या एक सप्ताह के अंदर आपका जो है, जो भी निस्तारण होगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका निस्तारण किया जाएगा। आप किस तरीके से अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं, इन्हें 4 तरीके दिए गए हैं। ये तो आप एकल खिड़की, जो कि इसके लिए आपको DRMO ऑफिस या जहां भी इन्होंने अपनी एक एकल खिड़की बनाई हुई है, जहां पर उनके बाबू बैठते हैं, वहां पर आपको जाके ऑफलाइन उनके रजिस्टर में या एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर उनको ये एप्लीकेशन के माध्यम से अपना जो है रजिस्टर, शिकायत को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है RTI कक्ष है झांसी में, उसमें ये बनाया गया है। तो यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है, आपके जोन में जहाँ पर भी बनाया हुआ होगा वहाँ पर ये होगा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये एक ईमेल के माध्यम से, यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो घर से भी पूरा अपनी शिकायत का एक ब्यौरा लिखेंगे। और इस ईमेल जो लिखा हुआ है, झांसी के लिए केवल बात कर रहे हैं, इस ईमेल पे आप उसको सेंड कर देंगे और आपकी शिकायत इससे भी दर्ज हो जाएगी। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है, आप मोबाइल नंबर दिया गया है, आप इसमें मोबाइल नंबर में वर्किंग आवर्स में फ़ोन करके भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद यदि आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो एक गूगल फॉर्म लिंक है, आप इस लिंक पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, जिसमें बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन, नाम, पिता का नाम और डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी शिकायत, बस इतना आपको भर के देना है और सबमिट पर
क्लिक कर देना है, आपकी शिकायत वहां पर सबमिट हो जाएगी। ये देखिए ये प्रतिलिपि इन लोगों को भी भेजी गई है और इस तरीके से बस इतना सा ही है यह लेटर। इन चार तरीकों में से किसी भी तरीके से आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसका निवारण भी आपको एक हफ्ते के अंदर तो मिल ही जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप जाकर भी उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसका क्या हुआ। तो आपको यह भारत सरकार का यह नियम कैसा लगा, क्या इससे जो कर्मचारी है उनको कुछ फायदा मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक जानकारी आपको मिलती रहे। फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।